आप में से जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। इससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुमकुम किचन्स में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हम बहुत सी सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इसको बहुत ही कम तेल में बनाने वाले हैं, तो इस रेसिपी को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को घंटी दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल लिया है और इसमें हम बारीक वाली सूजी लेंगे। सूजी मैंने यहाँ एक कप ली है और पानी डालकर हम इसे भिगा देंगे। हमें इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है, बस सिर्फ हमारी सूजी भीग जाए इतना पानी हमें लेना है। तो इसे पानी डालते हुए हम इस तरीके से भिगा लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ज्यादा पानी नहीं लिया है, बस जितने में हमारी सूजी भीग जाएगी उतना ही पानी हमें लेना है। और अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि सूजी हमारी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी। तो अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं और स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक फ्राइंग पैन में 2 चम्मच तेल डाला है, 2 टेबल स्पून तेल भी आप डालिए, ज़्यादा तेल की आवश्यकता इसमें नहीं है। तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच राई, 1/2 चम्मच से कम मैंने यहाँ पे सौंफ डाली है और 1 चुटकी हींग डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि हमारे जो सभी सूखे मसाले भून जाएं। अब हम इसमें डालेंगे कढ़ी पत्ता और साथ ही साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने मीडियम साइज का एक प्याज लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज मैंने यहाँ डाला है और इसे भी हम चलाते हुए भून लेंगे। 1 बारीक कटा हुआ गाजर मैं इसमें डाल रही हूँ, आप गाजर को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और इसे अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे लगभग 1 से 2 मिनट। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ डाला है चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है सूखे मसाले। जब भी आप सूखे पिसे हुए मसाले डालें तो गैस की जो फ्लेम है उसे कम कर दीजिएगा। 1/4 चम्मच काली मिर्च डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ली है जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू हैं जिनको कि मैंने मैश कर लिया है, उनको डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मिलाते हुए हमें इसे 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से चला लेना है। हमारी स्टफिंग तैयार है। हरा धनिया डाल देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर कर इसमें अब हम हरा धनिया मिक्स कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। देखिए, सूजी जो है हमारी अच्छे से फूल गई है। देखिए कितने अच्छे से हमारी सूजी फूल गई है। तो अब हम इसे मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसे पीस देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह हो जाए। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि आसानी से पिस जाए। तो देखिए, हमारी जो सूजी है वो पिसकर तैयार हो गई है, बिल्कुल चिकनी हमने इसको पीस कर तैयार किया है। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें डाला है, 1/2 चम्मच मैंने बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक इसमें डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे बटर मिल्क यानी छाछ, यहाँ पर मैंने खट्टी वाली छाछ ली है, और इसे डालते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। छाछ से हमारी रेसिपी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे जरूर ऐड कीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके का हमारा जो घोल है बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल डोसा का बैटर होता है उस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो देखिए, डोसा बैटर के समान इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो हमारा जो बैटर है तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक तवा या आप एक कोई भी नॉन स्टिक फ्राइंग पैन रख लीजिए और इसे इस तरीके से थोड़े से तेल से आपको ग्रीस करना है। हमारा जो तवा है वो ग्रीस बस हो जाना चाहिए, इतना तेल हमें चाहिए। और इसमें हम
एक चम्मच बैटर डालकर इस तरीके से फैला लेंगे। तो देखिए ऊपर से सूखने लगा है। मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाइए, तेज आंच पर नहीं पकाना है। और ये ऊपर से इस तरीके से सूख जाएगा तो ये आसानी से पलट जाएगा। आपको इसे बिल्कुल पतला भी नहीं बनाना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बनाना है। दोनों कंडीशन में ये स्टफिंग भरने पर फटने लगता है, तो आप इसको इस तरीके से बनाइए कि ज्यादा मोटा भी ना रहे और पतला भी ना रहे। और जब आप इस पर स्टफिंग भरे तब ये थोड़ा सा हल्का गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंडा होने पर ये फटने लगता है। तो देखिए हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है और इसे प्लेट पर रख लेंगे। और इसी तरीके से सभी जो सूजी के चीले हैं बनाकर हम तैयार करेंगे। और अब हम इसमें स्टफिंग भर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो हमारी स्टफिंग है उसे रखा है, और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए पहले हम इसको साइड से दोनों किनारे मोड़ लेंगे और ऊपर से इस तरीके से दबाते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैंने इसे इस तरीके से दबाते हुए फोल्ड कर रही हूँ। आपको थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो एक या दो बार में ही आसानी से आपसे बनने लग जाएगा। तो हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से ही मैंने सभी रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, और नहीं तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से तवे पर तेल लगा के हल्का सा सेक लीजिए, जिससे कि इसकी जो ऊपर की परत है क्रिस्पी हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे जैसे भी खाना चाहें, या तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या तो आप इसे इस तरीके से फ्राई कर लीजिए। तो देखिए इसे मैंने फ्राई कर लिया है, और बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इसमें ऊपर हल्की सी परत बनना चाहिए और ऊपर से क्रिस्प हो जाए, इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो दोनों तरफ से आप इसे फ्राई कर लीजिए इस तरीके से, हल्का हल्का आपको इसे सेक लेना है। देखिए एक तरफ से सिक चुका है और दूसरी तरफ से मैंने इसे पलट दिया है। सारे जो रोल है वो लगभग सिक चुके हैं दोनों तरफ से, बहुत ही अच्छा इन पे कलर आ गया है। देखिए बहुत ही अच्छा इन पे कलर आया हुआ है, देखने में भी ये काफी अच्छे लग रहे हैं। तो हम इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम सभी रोल बनाकर तैयार कर लेंगे, और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, और इसमें जितनी भी सामग्री हमने इस्तेमाल की है वो आसानी से आपको घर पर मिल जाएगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी, और आपने इसे घर पर ट्राई की कि नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।